अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर मरियम नवाज साहिबा वीडियोस के चक्कर में वो कर गई कि सर पकड़ के आप भी बैठ जाएंगे कि एक मुस्लिम होने के नाते क्या हम लोगों को ये सब सेब देता है। ईस्टर त्यौहार मनाया गया और इस मौका पर मरियम नवाज साहिबा एक ख़ास हद तक अगर सब कुछ करती, यानी अकलियतों के हवाले से कोई भी चीज़ एक ख़ास हद तक होती तो बेहतर था, लेकिन हदें पार कर दी गई इनकी तरफ से। देखिए ज़रा। हैप्पी ईस्टर। और आप क्या किया आज ईस्टर? और कुछ किया? अच्छी लग रही है जी, तेरा खुश रहो। तो साथियों, सवाल ये बनता है कि ये ईस्टर त्यौहार या इन जैसे त्यौहार को मनाने वाले या मुसलमान जो इनके साथ शरीक हो जाते हैं उनके हवाले से हुक्म क्या है? कुफार के खुद साख्ता त्यौहार और किसी भी तकरीब में मुसलमान के लिए शिरकत करना जायज़ नहीं है, चाहे वो ईस्टर का त्यौहार हो या क्रिसमस, क्योंकि शिरकत से कुफार की मावनत, हाजरीन मजलिस की तादाद में इजाफा के साथ साथ मुशाबहत भी होगी और ऐसा करना बिल्कुल मना है। चनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नेकी और तकवा के कामों पर एक दूसरे की मावनत करो, गुनाह और ज्यादती के कामों पर मावनत मत करो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह फरमान है, जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। अबू दाऊद की ये हदीस है। साथ ही साथ इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीकी अहले इल्म के हाँ मशरिकों के त्यौहार में मुसलमानों की जानिब से शमूलियत बिल्कुल जायज़ नहीं है। चनाचे इस बारे में चारों फ़िक़ही मज़ाहिब के फुकाहे इकराम ने अपनी अपनी किताब में यह बिल्कुल वाज़ह सराहियत के साथ लिखा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के दुश्मनों से उनके त्यौहारों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, इनसे दूर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इन त्यौहारों की बुनियाद ही गलत है, यानी अल्लाह के साथ शिर्क से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो उनका साथ देना अपने आप के लिए मुसीबत बनाना है, दुनिया और आखरत की भलाई भी जाती रहेगी और साथ ही साथ एक अजाब के लिए भी अपने लिए हम राहें हमवार करते रहेंगे। तो हमारे हुक्मरान अगर इस नक्शे कदम पर चल के जाकर ईदियाँ बाँटेंगे और खुशियाँ मनाएँगे इस हद तक जाकर, तो फिर ये इंतहाई एक गलत इकदाम हो सकता है। वीडियोस के चक्कर में अगर इस हद तक पहुंचा जाएगा तो पहले ही इतनी तनकीद हो रही है मोहतरमा पर, मज़ीद इन पर तनकीद का अंदेशा है। आज की वीडियो शेयर कीजिए, लाजमन सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सेलेक्ट करें दोस्तों, और कमेंट लाजमी कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा? क्या ये आपकी नज़र में ठीक है या गलत?